हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो आपका भाई आज जा रहा है कॉलेज, कॉलेज दिखाएंगे आज आपको। सो अभी आपका भाई हाईवे पे है, फ्लाईओवर पे। तो देखिए आसपास का व्यू कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। तो अभी आपका भाई खरड़ में पहुँचने वाला है। देखिए आप व्यू, देखिए साइड का। यहाँ पे स्पीड बताई है 40-45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए स्पीड। ये देखो 40 की स्पीड यहाँ पे भी बताई है, 40 की स्पीड होनी चाहिए बाइक की, टू व्हीकल की। ऐसा लफड़ा होता है यहाँ पे, रूल जो रूल होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, वरना चलान सीधा आ जाता है घर पे। मैं सीधा चला हुआ था तो गलती से मैं नीचे वाले रोड पे मैंने लेफ्ट ले लिया, तो आ गया भाई आपका नीचे। तो अब मेरे को ये वाला रोड पकड़ना पड़ेगा और आगे इसी रोड पे जाके वो वाला हाईवे भी मिल जाता है वहाँ पे जाके। ये देखो ये हाईवे यहाँ पे आ गया। तो आपका भाई खरड़ क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर है कॉलेज की। जो काम मेरा है उसको मैं जल्दी जल्दी करवा लेता हूँ। देखिए भाई संतरे, किन्नू, गर्मियों का मौसम चल पड़ा है भाई। गर्मियों का ऐसी बात ही है भाई, चंडीगढ़ की देख लो भाई, अंधाधुंध यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ से ले लेगा आपका भाई अंदर के लिए। और ये सामने है रियात बाहरा यूनिवर्सिटी और यहाँ पे लगी हुई है बहुत ही, बच्चे आए हुए हैं देख सकते हैं आप बाइकें। तो साथ में फ्लाईओवर और साथ में ये यूनिवर्सिटी देख लो। मैं पहुंच गया हूं अपने कॉलेज, यहां पे मैं बाइक पार्क करता हूं और चलते हैं फिर अंदर। सो यहां पे मैंने पार्क कर दी बाइक, अब अंदर चलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे बाइकें वगैरह गाड़ियां वगैरह पार्क की जाती है, कॉलेज की पार्किंग है यहां पे, ऑल स्टूडेंट यहां पे गाड़ियां पार्क करते हैं। और चलते हैं अंदर की ओर, दिखाएंगे आपको अंदर से कैसा लगता है कॉलेज। ए भाई अपना कॉलेज, ये है भाई दौबा ग्रुप ऑफ कॉलेज खरड़ मोहाली। तो यहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है देख सकते हैं आप। यहाँ पे एडमिशन हॉल, एडमिशन सेल, यहाँ पे एडमिशन वगैरह होती है अंदर जाके। यहाँ मेरी भी यहीं पे हुई थी। इस साइड पार्क वगैरह हैं आप देख सकते हैं। और ये जो है फार्मेसी वालों का है डिपार्टमेंट, इस साइड कॉलेज लगे हुए हैं। इस साइड लड़कियों का हॉस्टल है अंदर को। तो हमारा जो डिपार्टमेंट वो पिछली साइड है पॉलिटेक्निकल वालों का। सो देख सकते हैं आप, ये है भाई, यहाँ से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है देख लो। ये छोटा सा यहाँ पे ग्राउंड भी है, मतलब जो भी पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह होते हैं तो इसी ग्राउंड में होते हैं यहाँ। सो इस साइड जो है कॉलेज की कंटीन है यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर
शॉप है छोटी सी, और इस साइड जो है बीटेक वालों का डिपार्टमेंट है, इस साइड देख सकते हैं आप। और आगे यहाँ पे ईसीई ब्लॉक में जिम वगैरह भी है। और ये पहुँच गया मैं बॉयज़ हॉस्टल, ये जो सामने दिख रहा है ना ये बॉय हॉस्टल है यहाँ पे। सो हेलमेट हाथ में लेना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे मैं रख नहीं सकता यहाँ पे। और देखिए साथ में हरे भरे खेत, खेती की हुई है साइड लोगों ने, देख सकते हैं आप। तो हमारा जो पॉलिटेक्निकल वालों का जो डिपार्टमेंट है वो सामने है उस साइड, वहाँ पे जाऊँगा मैं अब। सो आपका भाई पहुँच गया अपने डिपार्टमेंट। सो ये है अपने डिपार्टमेंट का गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर के लिए। सो चलते हैं, बच्चे वगैरह आए हुए हैं, पता नहीं टीचर हैं कि बच्चे हैं बैठे हुए हैं सामने। सो यहाँ पे बाइकें वगैरह पार्क की जाती है साइड में। सो अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कोई आया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे बसें वगैरह खड़ी हुई है कॉलेज की। नमस्कार सर, बस बस बढ़िया, बैठ जा इधर बैठ जा, आ रहा हूँ मैं। ठीक है सर। सो जो जा रहे हैं अपने नितिन सर हैं, सो इस साइड जाके मेरी क्लासेज लगती थी। और ये जो आप देख रहे हैं रूम वगैरह, यहाँ पे मेरी एग्जाम वगैरह हुए थे। सो यहाँ पे फाइनली मेरी डीएमसी मिल चुकी है। और ये हमारे सर हैं नितिन सर। सर कुछ बोलना चाहोगे आप? मैंने क्या बोला, एडमिशनों के बारे में, कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है? एडमिशन देखो भाई, अप्रैल में एडमिशन शुरू होंगी हमारे यहाँ पे। डिप्लोमा में हमारे 5 कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप कर सकते हो डिप्लोमा, यहाँ पर अच्छा स्टाफ है, विपिन ने भी किया है यहाँ पर डिप्लोमा। बाकी विपिन आपको अच्छा बता पाएगा हमसे ज़्यादा, क्योंकि जिस जो बच्चा यहाँ पर पढ़ के गया वही बता सकता है। जी जी जी, ठीक है ना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके सो चलते हैं, हूँ ना डीएमसी मिल गई है। सो मिलते हैं आपके साथ रास्ते में, थोड़ा सा जाते जाते आपको कॉलेज भी बता देंगे। चलो आपको दिखाते हैं जहाँ पे मेरी क्लासेज वगैरह लगती थी। सो यहाँ पे नीचे वर्कशॉप है, नीचे वर्कशॉप, यहाँ पे नीचे तो नहीं जा पाऊँगा, नीचे पानी है थोड़ा सा। सो जहाँ पे मेरी क्लासेज लगती थी वो मैं आपको बताऊँगा। इस साइड हमारी क्लासेज वगैरह लगती थी, यहाँ पे लगती थी मेरी क्लासेज। ये रूम है यहाँ पे। सो आपका भाई वहाँ पे बैठता था पीछे सेकंड लास्ट पे, और यहाँ पे टीचर वगैरह पढ़ाते थे। सो ये देखो रूम नंबर 5 होता था यहाँ पे। और इस साइड हर एक मतलब डिपार्टमेंट की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर एक चीज़ की इस साइड क्लासेज वगैरह लगती थी। मतलब बहुत ही अच्छे टीचर थे हमारे टाइम के। ठीक है सर, जानते हैं। ओके ओके, मिलते हैं फिर। ठीक है, बस बस बस। देख लो पीछे जिला डिपार्टमेंट आपको देख रहे हैं ना, यहाँ से मैंने पॉलिटेक्निकल कंप्लीट की है अपनी। सो साइड का व्यू देख लो, इस साइड ऐसा कुछ व्यू है आसपास का। जब एग्जाम वगैरह होते थे ना तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड जो है, पार्क जो है, आप देख रहे हैं सारा का सारा भरा होता था बच्चों के साथ। तो अभी तो यहाँ पे बच्चे वगैरह नहीं है। सो चलो मिलते हैं आपके साथ बाहर की साइड जाके, आपको दिखाते हैं यहाँ पे हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। सो
यू आर अंडर सीसीटीवी स्कैनर, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं। तो अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे। सो ये हॉस्टल है हमारे कॉलेज का, देख सकते हैं आप पीछे। ये है भाई हॉस्टल। अगर किसी ने एडमिशन वगैरह लेनी है तो कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे साथ, आपको एडमिशन यहाँ पे दिलवा देंगे बढ़िया डिस्काउंट के साथ। सो कोई चक्कर नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से बाहर की साइड अब। सो मेरा डिपार्टमेंट आपने देख लिया, हॉस्टल आपको दिखा दिया मैंने। सो ऐसा कुछ यहाँ पे व्यू है आसपास का, और अभी तो बच्चे ज़्यादा आए नहीं हैं कॉलेज, लग तो गए हैं बट बच्चे आ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे जब क्लासेस वगैरह लगने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हमारे कॉलेज की कंटीन है पीछे, यहाँ पे खाना वगैरह जो भी आपको खाना हो खा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तो बंद पड़ी होगी शायद, हाँ हाँ बंद है शायद। सो तो देख लो पीछे, इस साइड बी टेक वालों की क्लासेस वगैरह लगती है, और जैसे कॉलेज में कोई भी फंक्शन वगैरह होता है ना तो ये पीछे आप ग्राउंड वगैरह देख रहे हैं ना यहाँ पे होता है, देख लो आप इस साइड। ऐसा है भाई कॉलेज का व्यू। देखिए यहाँ पे भाई मस्ती कर रहे हैं कॉलेज के। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये हम पार्टी कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। ऐसी मस्ती होती है कॉलेज में। सो ये हमारे जूनियर हैं, अभी इन्होंने एडमिशन वगैरह ली है। जो आप पीछे कॉलेज देख रहे हो ना, ये हमारे कॉलेज का गेट है, देख सकते हैं आप पीछे। सो आपका भाई काम करवा के आ गया अंदर, अब चलेंगे वापस जहाँ से आए हैं अपनी मासी के घर। और देखिए दोब्बा ग्रुप ऑफ कॉलेज। सो देखिए ये आ रहा है पहला गोल चक्कर। सो नितिन सर बहुत ही अच्छे थे, और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो अच्छे से सॉल्व करते थे, मतलब बहुत ही अच्छे टीचर थे। सो अब कॉलेज की यादें रह जाएगी। सो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जो नया चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस स्टैंड पीजीआई के लिए सीधा रास्ता है ये। तीसरा गोल चक्कर आपका भाई क्रॉस कर रहा है। पीछे से जो गोल चक्कर मैंने क्रॉस किया ना, वहां से सीधा चला जाता है वो 43 के लिए, पीजीआई के लिए ये जाता है जिसपे मैं जा रहा हूँ। बट मुझे पीजीआई नहीं जाना है, मुझे जाना है दनास। देखिए यहाँ पे भी बत्ती लगी हुई है, और आगे वाली बत्ती भी लगी हुई है, दो दो बत्तियाँ भाई। मेरे पास पास के लोग देख रहे हैं कि क्या बंदा है वीडियो बना रहा है, वो भी मोबाइल से। तो कोई बात नहीं, अभी टाइम मोबाइल का है भाई, तो मोबाइल से शूट कर पाऊंगा मैं। तो टाइम आएगा तो गोप्रो भी ले लेंगे अच्छा सा। देख लो ट्रैफिक दिख रही है ना ट्रैफिक आपको। और ये रास्ता जाता है सीधा दनास के लिए, और देखो आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा सामने, देख लो ये साइड में जितना भी कूड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, पूरे चंडीगढ़ का पूरा यहीं पे ही आता है। तो यहाँ पे बहुत गंदी बदबू है भाई, जल्दी से निकलो यहाँ से।
यहाँ पे जो है मंडी लगती है पूरे दनास की, यहाँ पे शाम के टाइम ये बना हुआ है, यहाँ पे लगती है मंडी। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, और जो नए हैं चैनल पे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।